जी नमस्कार। अभी हम आए हुए हैं सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर पे, और यहाँ पे अभ्यर्थी कुछ निकल रहे हैं, जो देखिए उनसे बात करते हैं और पूरा सी टेट एनालिसिस पेपर का करेंगे। कैसा रहा एग्ज़ाम भैया? बढ़िया रहा। किस लेवल का क्वेश्चन था? क्वेश्चन तो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उतना भी क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं था जिससे हम लोग फंस सके। अच्छा अच्छा, तो ईवीएस से दो चार क्वेश्चन कोई बता सकते हैं? ईवीएस से क्वेश्चन था आपका, क्लासरूम किस तरह के चित्रकार से माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ब्लैक बोर्ड के उचित था। अच्छा, चित्र बनाकर उसका डिजाइन, कंटेंट से, कंटेंट से, ये तो पेडागोजी हो गया ना, कंटेंट से बता सकते हैं। तो अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। और आगे निकल रहे हैं, इनसे बात करते हैं। कैसा रहा सर एग्ज़ाम? अच्छा रहा। अच्छा रहा, किस तरह का क्वेश्चन था? सीडीपी से एक दो क्वेश्चन बता सकते हैं? याद नहीं है। चलिए, कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा था, मॉडरेट क्वेश्चन था, इजी टू मॉडरेट। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं? हाँ, ले वाइगोत्स्की से आया था, जीन पियाजे से आया था, और ईवीएस में जो था, ईवीएस से क्वेश्चन कुछ जैसे एरिया होता है ना, जैसे राज्य के बारे में बताया। अच्छा, गया अच्छा, कौन से राज्य से पूछा था? जैसे राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, इसके बारे में पूछा गया। कुछ क्वेश्चन है जो बता सकते हैं? वैसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र के नज़दीक कौन कौन राज्य हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, उसमें ऑप्शन भी दिया गया था और बताया गया था। उसके बाद और क्वेश्चन? और ईवीएस से भी क्वेश्चन राज्य से संबंधित, राज्य से संबंधित था एक, और झारखंड से रिलेटेड था। अच्छा, कर्नाटक से था। झारखंड से क्या? झारखंड से, झारखंड के आसपास कौन राज्य है? अच्छा, और अच्छा। उसके बाद पश्चिम बंगाल के, जैसे वेस्ट बंगाल है। अच्छा अच्छा, और उसके नज़दीक कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, चलिए। और सीडीपी से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, छोटे छोटे बच्चे के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया था। अच्छा अच्छा, और मैथ कैसा था? मैथ थोड़ा सा ट्विस्टेड था। अच्छा, बट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, टाइम टेकन क्वेश्चन था। तो आपका टाइम मैनेजमेंट हुआ है? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा मैथ में टाइम लगा, लेकिन सॉल्व क्वेश्चन हो गया। 1.5 घंटा में सॉल्व कर दिया? हाँ, टोटल टाइम में सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। अच्छा अच्छा, तो और कुछ मैथ हो गया, उसके बाद आप संस्कृत था या नहीं? इंग्लिश था। इंग्लिश था, था। कैसा गया एग्जाम? इंग्लिश में थोड़ा सा पैसेज था। पैसेज किस लेवल का था? पैसेज थोड़ा, सेकंड पैसेज था वो डिफिकल्ट था, और फर्स्ट पैसेज था जो काफ़ी अच्छा था। अच्छा अच्छा, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन था उससे भी। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। और अभ्यर्थी है, मैं उनसे भी बात करता हूँ। कैसा रहा भैया एग्ज़ाम, काहे भाग रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम। किस लेवल का क्वेश्चन था? लेवल मॉडरेट था। मॉडरेट? हाँ हाँ, मॉडरेट लेवल था। ओ, और क्वेश्चन कुछ याद है, बता सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन जैसे पार्ट से संबंधित क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। और पार्ट से संबंधित क्वेश्चन था, जो सीडीपी था, थोड़ा कंक्लूजन था। अच्छा। और हिंदी और ये सब बहुत अच्छा, अच्छा था। अच्छा, ये लैंग्वेज वन क्या था? लैंग्वेज वन हिंदी था, और लैंग्वेज टू, हाँ, गदांश और कैसा था? गदांश ठीक था, हिंदी का पैसेज बहुत अच्छा था, जो तिरंगा झंडा पे आया हुआ था। अच्छा, तिरंगा के बारे में हिंदी में दिया हुआ था। अच्छा, ठीक है, तो वो बहुत ईजी टर्म में था। और इंग्लिश में भी पैसेज था जो एडिशन बेस्ड था, जो कि हम लोग को पहले से पता था एडिशन के बारे में। ईवीएस से क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन बता। हाँ, ईवीएस से क्वेश्चन, ईवीएस से क्वेश्चन था जैसे राजस्थानी ओक के बारे में था। अच्छा, ठीक है, राजस्थानी जो ओक पेड़ है उसके बारे में क्या था कुछ, जैसे उसके बारे में टॉपिक्स दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, जैसे कि इसमें क्या क्या, जैसे उसकी जड़ें ज़्यादा अंदर तक होती हैं। अच्छा अच्छा, कि उसके तनों से पाइप, हाँ, पानी निकाला जाता है। अच्छा, ठीक अच्छा, है, इस टाइप से क्वेश्चन था। अच्छा, और राज्य से? राज्य से मैप से क्वेश्चन था कि आपका ये बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी साइड में, उसके निकटवर्ती क्षेत्र कौन कौन से हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, यानी मैप से भी क्वेश्चन। हाँ, मैप से भी क्वेश्चन। डिस्टेंस से था कि नहीं? नहीं, हाँ, डिस्टेंस, हाँ, चाल और दूरी से, रेल का समय था, ट्रेन वाला था। अच्छा, उसे दिया हुआ था। अच्छा अच्छा, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन था, कैसा क्वेश्चन था सर? क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था। एग्ज़ाम कैसा गया? एग्ज़ाम अच्छा गया। क्या इस बार क्वालिफाई होगा? हाँ, हो जाएगा, उम्मीद है। उम्मीद है, हाँ। चलिए देखते हैं और लोगों से। हेलो भाई साहब, अरे बोलिए तो कुछ, कहाँ जा रहे हैं? कुछ विद्यार्थी हैं जो अभी निकल रहे हैं। किस तरह का क्वेश्चन है? इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ऑल बिहार सी टेट एग्ज़ाम सेंटर पर हम जाएंगे और आपको एनालिसिस दिखाएंगे।
तो चलिए आ रहे हैं कुछ अभ्यर्थी। यहाँ देखिए भैया कैसा क्वेश्चन रहा? क्वेश्चन जो है सो इजी टू मॉडरेट आता है अभी। अच्छा, आप कह सकते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन है। मॉडरेट क्वेश्चन था इजी, कुछ सेक्शन इजी भी है कुछ मॉडरेट भी है। अच्छा अच्छा जी। एग्ज़ाम का मतलब तो वही होता है कि अच्छा, कुछ मॉडरेट और कुछ इजी दोनों। एग्ज़ाम सीटेट का मतलब क्या होता है कि दूसरे का इच्छा से होता है? बिल्कुल, चूँकि एग्ज़ाम सीटेट का जो है हाँ निगेटिव नहीं है, इसीलिए बच्चे अटैम्प्ट लेते हैं 150 तक, तो हम भी पूरा अटैम्प्ट लेके हाँ जा रहे हैं। समय पूरा मैनेजमेंट हुआ है आपका? अगर बच्चा प्रैक्टिस करके पहले से आया है तो मैनेजमेंट होगा ही होगा। अगर प्रैक्टिस आपका हुआ है कि नहीं? मेरा तो हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लगा कि 5 मिनट और रहता तो और अच्छा से अच्छा, चीज़ों को बोधगम्य तरीका से समझ पाते। अच्छा अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लोग भी हैं। ओ भैया कैसा रहा क्वेश्चन? भाग कह रहे हैं आप? ठीक था। कुछ क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन बताइए। अरे काहे भाग रहे हैं, कैसा रहा क्वेश्चन? क्वेश्चन सही था। सीडीपी जो हिमांशी मैम पढ़ाती हैं उनसे बहुत अच्छा, अच्छा आया था। हाँ हिमांशी मैम से अच्छा था ना? जी जी। तो कुछ कुछ सीडीपी का क्वेश्चन बता सकते हैं जो पेडागोजी से संबंधित? ज़्यादातर क्वेश्चन तो मैंने सीडीपी बेस्ड ही था, मतलब जैसे प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अच्छा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन वाला था, उसके बाद वायगुस्की का था, कल्चरल टूल्स था। अच्छा अच्छा। हिंदी में हिंदी का पोयम भी बहुत अच्छा था। अच्छा। कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मा था, यही था। अच्छा है ना। और उसके बाद पैराग्राफ कैसा था? बहुत ही अच्छा था, है ना, हिंदी का बहुत ही अच्छा था। अच्छा, बनाने वाला सब क्वेश्चन था। तो क्या उम्मीद है इस बार सीटेट क्वालिफाई होगा? 130+। 130+। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट और क्वेश्चन बता दीजिए ना, जो क्वेश्चन ऐसा हो कि राज्य से संबंधित ईवीएस से। ये एक क्वेश्चन था, ये पश्चिम बंगाल, ये मध्य प्रदेश का जो है सो पड़ोसी राज कौन है? मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज था। उसके बाद जो है सो आपको प्याजे का था, एस्कीमा वाला क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप बताइए कि कोई थीम उम से क्वेश्चन भी था क्या? हाँ था, ये शेल्टर का, शेल्टर थीम से था। हाँ उसके बाद एक था, उसके बाद जो है सो कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? अच्छा अच्छा, ये सब था। ये सब था। और क्वेश्चन कोई राज्य से संबंधित? एक था ये गंगा परियोजना वाला था, है ना। अच्छा, उसके बाद एक था ओजोन लेयर का डिप्लेशन है, ये कौन से एक्ट के, कौन सा जैसे मॉन्ट्रियल है उसका आंसर, कौन सा प्रोटोकॉल वाला है ना, ऐसे कर करके। तो इस बार एग्ज़ाम अच्छा आएगा ना रिजल्ट? ओ तो और जो आप बताइए कि सीडीपी का कुछ क्वेश्चन बताइए जो बच्चा देखे और कहे कि हाँ इस तरह का क्वेश्चन। एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन। एक मिनट, आप एग्ज़ाम दे के आ रहे हैं तो किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एनईपी से भी था क्या? एनईपी से, हाँ एक क्वेश्चन एनईपी से था। एक क्वेश्चन क्या था एनईपी से क्वेश्चन? मतलब वो जो मतलब शिक्षा जो दिया जाता है, मतलब कौन चीज़ के सेंटर में रख के ऐसे कर कुछ था। अच्छा, एग्जैक्ट एग्जैक्ट याद नहीं है। ओ एग्जैक्ट याद नहीं है। और कुछ उल्लू उल्लू से कुछ? नो नो, कोई चिड़िया से कुछ भी नहीं। हाथी उथी से? नहीं, हाथी से भी नहीं था। नहीं नहीं था। ओ तो आज पेपर अच्छा गया आपका ना? अच्छा गया। चलिए आप का एग्ज़ाम दिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एग्ज़ाम का रिजल्ट आएगा तो आपसे एक क्या इंटरव्यू दीजिएगा उस तरह का, बोल रहे हैं आप कहाँ से हैं सो बोल दीजिएगा। हमें समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट से। समस्तीपुर से? क्या हम मिलेंगे आपसे वहाँ? जरूर जरूर जरूर। चलिए ठीक है ठीक है। तो देखिए कुछ और अभ्यर्थी हैं वहाँ पे, उन लोग निकलते हैं, उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं उन लोगों का भी किस लेवल का क्वेश्चन रहा। देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहा भैया। काफ़ी ईजी रहा है। काफ़ी ईजी, ठीक ही है। कितना नंबर आएगा आपका? अब नंबर तो अब बनाने के ऊपर है कि भाई अब कितना बनाया है कंफर्म, अभी तो पूरा का पूरा टच किया 150। लेकिन आएगा कितना? अप्रॉक्स सोचा है मैंने, अपने एज्यूम किया है कि 120 होना चाहिए। 120 होना चाहिए। चलिए इस बार क्वालिफाई हो जाएगा? हाँ पूरी पूरी क्वालिफाई हो जाएगा। हाँ पूरी। चलिए क्वेश्चन कुछ बता दीजिए ईवीएस से। एनईपी से बहुत सारे क्वेश्चन टच अप हुए हैं, और ईवीएस में आपका जो आपका चिराव डांस वगैरह है आसाम से रिलेटेड। अच्छा, है अच्छा। मिजोरम में जो बांस के डांस वगैरह हैं उससे रिलेटेड मिला हुआ है। अच्छा अच्छा। चलिए यानी ना ही इजी था ना ही मॉडरेट था, नहीं एवरेज था सभी। एवरेज था। हाँ चलिए बहुत अच्छा। और अभ्यर्थी आ रहे हैं, मैं उनसे बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे दो लोग निकल रहे हैं यहाँ पे। कैसा रहा एग्ज़ाम? एग्ज़ाम
अच्छा था, इजी टू मॉडरेट सारे क्वेश्चंस थे। अच्छा अच्छा हाँ। कुछ क्वेश्चन बता सकते हैं कहाँ कहाँ से आया था? जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स की सबसे एक एक लगभग रहे होंगे ना। क्या ईवीएस से भी क्वेश्चन था? ईवीएस से भी क्वेश्चन था, साइंस से था, बायो से था। नहीं, ईवीएस से कौन सा राज्य उजिया थीम से था? राज से था, जिसके बाउंड्री कौन कौन से स्टेट उसको टच करते हैं वो था। सागर, बाल बंगाल, हाँ, और कौन से सागर है सब टच कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी को। अच्छा, उसके बाद और कोई से या थी सीडीपी से कुछ क्वेश्चन? सीडीपी से बायोग्राफ से वही जिन प्याजे इसी सबसे था, सबसे था। उसके बाद पैराग्राफ कैसा था? पैराग्राफ इंग्लिश का था, वो भी सही था। पोएट्री से था, मॉडरेट तो इजी टू मॉडरेट ये बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, हिंदी भी ठीक है, इजी था, इजी टू मॉडरेट। गद्यांश कैसा था हिंदी का? इजी था। उसके बाद जो पैराग्राफ था उसमें जो है, उसके बाद से सीडीपी किस तरह का था? उसमें पेडागोजी काफ़ी कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा नहीं था, इजी था, कह सकते इजी था, इजी था। चलिए, आज का एग्ज़ाम आपने सुन लिया किस तरह का रहा, और आगे हम आपको बताते हैं पूरा पेपर का, सेकंड पेपर का एनालिसिस भी करेंगे। तो फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।